32 दिन के बाद महाराष्ट्र में आज उद्धव कैबिनेट का हुआ विस्तार। कुल 36 मंत्रियों की हुई एंट्री। पिता की कैबिनेट में बेटे आदित्य ठाकरे को भी मिली जगह। सबसे अंत मिली मंत्री पद की शपथ। आदित्य ठाकरे ने शपथ लेते वक्त पिता के साथ अपनी मां में रश्मि ठाकरे का भी नाम अपने साथ जोड़ा। इस दौरान खुशी से खिला दिखा रश्मि ठाकरे का चेहरा। मंत्री पद की शपथ के बाद आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पैर छूकर आशीर्वाद दिए। एनसीपी नेता अजित पवार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बने डिप्टी सीएम, कुछ दिन पहले फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की ली थी शपथ। 36 मंत्रियों में शिवसेना के 12 मंत्री, इनमें 8 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री। एनसीपी के 14 मंत्रियों ने ली शपथ। जितेंद्र वहाड़ बने एनसीपी के 10 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के 10 मंत्रियों ने ली शपथ, इनमें 8 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी बने मंत्री। उद्धव सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक भी बनाए गए हैं मंत्री। अजित पवार के साथ एनसीपी से बगावत करने वाले धनंजय मुंडे को भी उद्धव कैबिनेट में मिली जगह, बनाए गए मंत्री। शिवसेना के सहयोगी दल प्रहर जनशक्ति पार्टी के बच्चू कांडू भी बने हैं मंत्री। केसी पाटवी को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी में दोबारा मंत्री पद की उन्हें शपथ दिलाई। पहले शपथ के दौरान नियमों की अनदेखी की थी। भाई सुनील राउत को मंत्री नहीं बनाए जाने से संजय राउत के नाराज होने की खबर। संजय राउत ने किया खंडन, बोले हम कुछ मांगने वालों में नहीं देने वालों में से हैं। नहीं, हमने हमारे भाई के या हमारे लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। हम मांगने वाले कभी नहीं थे, हम देने वाले हैं पार्टी में, हमेशा हमारा योगदान देने वाले हम लोग। उद्धव मंत्रिमंडल में जगह बनाने से चूके पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मिल सकता है पद। आदित्य ठाकरे के मंत्री बनने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे परिवारवाद से जुड़ा कहा। खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है रंग, शिवसेना पर कांग्रेस का पड़ा है असर। गिरिराज सिंह ने किया सवाल। शिवसेना पहले कहती थी ठाकरे परिवार का कोई मंत्री नहीं बनेगा। इसके बाद पहले उद्धव सीएम बने, अब बेटा मंत्री बना। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत होंगे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 31 दिसंबर को सेना से हो रहे हैं रिटायर। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। प्रदेश में मौजूदा हालात का दिया हवाला। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल से मुलाकात के बाद महासचिव प्रियंका गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यपाल आनंदीबेन के समक्ष उठाए गए मुद्दों की दी जानकारी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पर पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। यूपी हिंसा मामले की न्यायिक जांच की मांग की। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर उठाए सवाल। कहा इस महान देश में हिंसा और बदले की जगह नहीं, धर्म को धारण करें योगी। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी ने बिजनौर में अनस और सुलेमान की मौत का उठाया मुद्दा। 21 साल के सुलेमान की यूपीएससी की तैयारी का दिया हवाला। कहा पुलिस ने एफआईआर नहीं करने पर का परिवार पर डाला था दबाव। प्रियंका ने लखनऊ में रिटायर्ड बुजुर्ग आईपीएस एसआर दारापुरी की गिरफ्तारी और पत्नी की बदहाली का भी उठाया मुद्दा। सीआरपीएफ ने लखनऊ में प्रियंका गांधी की सुरक्षा में अपनी तरफ से किसी भी चूक से किया इनकार। प्रियंका गांधी की ओर से की गई 3 गलतियों का किया जिक्र। सीआरपीएफ के मुताबिक प्रियंका गांधी ने बिना जानकारी दिए बदला अपना रूट, अपनी गाड़ी बदली और बगैर हेलमेट स्कूटी पर किया सफर। लखनऊ में जिस स्कूटी पर बैठी थी प्रियंका, उसका हुआ चालान। ड्राइविंग लाइसेंस और बगैर हेलमेट सवारी, कई धाराओं समेत 6100 रुपए का चालान कटा। चित्रकूट में धर्मगुरु पद्म विभूषण राम भद्राचार्य का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान। कहा खुद भी शहीद हो जाए प्रियंका। प्रियंका ने बताया था यूपी में हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को शहीद। नागरिकता कानून के दौरान हुई हिंसा को लेकर तेज हुई सियासत। प्रियंका गांधी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, टीवी पर जगह पाने के लिए प्रियंका तोड़ती हैं प्रोटोकॉल ताकि लोग उन्हें दिखाएं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा सुरक्षा घटाए जाने पर चीखने वाले कांग्रेस नेता को मिली हुई सुरक्षा को भी बता देती हैं धता। मशहूर कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार की पुण्यतिथि आज। प्रियंका गांधी ने उन्हीं के शेर से दी श्रद्धांजलि। किया ट्वीट, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरठ में 20 दिसंबर को हुई हिंसा में
PFI के लिंक का खुलासा, कई आपत्तिजनक पैम्फलेट और जिहादी साहित्य बरामद। यूपी के बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को उठाया मुद्दा, कहा कहीं जमीन हो रहा है कब्जा तो कहीं किसी को मारी जा रही है गोली। पीएम मोदी ने नागरिकता कानून पर कैंपेन किया लॉन्च, नमो ऐप पर जनता की लेंगे राय। पीएम मोदी ने फिर दोहराया सीएए से शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। नमो ऐप पर हैशटैग के साथ इंडिया सपोर्ट सीएए के जरिए मांगी है राय। यूपी में मेरठ के एसपी के पाकिस्तान जाने वाले बयान पर मोदी मंत्रिमंडल में दो राय, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल एसपी पर कार्रवाई की मांग की तो बचाव में आए गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा मुझे लगता है कि नकवी ने मेरठ के एसपी का पूरा बयान नहीं सुना, नहीं तो वो मेरी तरह एसपी का समर्थन करते, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के लग रहे थे नारे। गिरिराज सिंह का आरोप विपक्ष देश को उसी तरह से बांटना चाहता है जैसा 1947 से पहले जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश को बांटा था। टीएमसी ने चलाया से नो टू सीएए कैंपेन, संतों के वेश में विरोध भजन करते दिखे कार्यकर्ता। पुरुलिया में बीजेपी नेता और पंचायत सदस्य प्रशांतो रोहिदास ने पार्टी छोड़ी, टीएमसी से जुड़े प्रशांतो। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार पर केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं लेने का लगाया आरोप, कहा राज्य के लिए केंद्र अरबों रुपए दे रहा लेकिन सीएम ममता ले नहीं रही हैं। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में एक चर्च पर बम से हमला, चर्च से जुड़े लोगों ने बीजेपी समर्थकों पर हमले का लगाया आरोप। ईस्ट मिदनापुर में चर्च पर हमले से बीजेपी ने किया किनारा, इसे टीएमसी की साजिश कहा, बोले हमले की बात जानबूझकर बीजेपी के लगाए गए थे नारे। नए साल से पहले दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अटैक, कई जगहों पर विजिबिलिटी 25 से 30 मीटर से भी कम। इंडिया गेट पर घनी धुंध के चलते लाइट जलाकर चलते देखे वहां, नोएडा गाजियाबाद में भी जबरदस्त कोहरा। दिल्ली के बसंत विहार में कोहरे के चलते पैदल यात्रियों तक को नहीं सूझ रही है राह, कड़ाके की ठंड में स्कूल खुले होने से बच्चों को भी परेशानी। कोहरे का रेल और हवाई यातायात पर भी असर, दिल्ली से होकर आने जाने वाली 30 ट्रेनें लेट। ग्रेटर नोएडा में कोहरे में भीषण हादसा, नहर में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, 5 घायल। कोहरे में बिना रिफ्लेक्टर वाले डिवाइडर और यू टर्न बने बड़ा खतरा, दिल्ली के सरता विहार में हुआ हादसा, दिखाई नहीं देने की वजह से डिवाइडर पर चढ़ गया ट्रक। गाजियाबाद का भी घने कोहरे से सामना, गाड़ियों की जलानी पड़ रही है लाइट, जल रहे हैं अलाव। हापुड़ का भी आज घने कोहरे से हुआ सामना, नहीं सूझ रही है राह। हरियाणा के रोहतक में भी घना कोहरा, कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। प्रयागराज में छाया घना कोहरा, सफर करने वालों के लिए मुसीबत, कड़ाके की ठंड। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच दिखा हैरत अंगेज नजारा, बद्रीनाथ के पास सड़क पर उतरा ग्लेशियर, बद्रीनाथ में पागल नाला के पास कैमरे में कैद बर्फ की नदी, 17 दिसंबर की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, मशीन से हटाई गई रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ, बर्फीले फवारे जैसा दिखा नजारा। श्रीनगर में माइनस 6.2 तक गिरा पारा, जमने लगे हैं डल झील के किनारे। लेह में माइनस 21 डिग्री सेल्सियस की सर्दी से जमने लगी नदी, कड़ाके की ठंड के बीच लद्दाख की नए साल का पारंपरिक जश्न भी शुरू। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में भी कड़ाके की सर्दी, पारा माइनस 3 डिग्री तक गिरा। राजस्थान की बारा में ठंड का 3rd degree, कार पर जम गई है बर्फ। नागपुर में ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की सर्दी में अमरोहा में योगी सरकार के मंत्री चेतन चौहान ने गरीबों को बांटे कंबल। गाजियाबाद के लोनी में दर्दनाक हादसा, एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 5 बच्चों समेत 6 लोगों की जान गई। आईआईटी मद्रास की छात्रा फातिमा लतीफ की मौत का मामला सीबीआई के सुपुर्द, परिजनों ने खुदकुशी की बजाय हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। मुंबई में लोकल में स्टंट करते वक्त एक एम्बुलेंस टकराई बिजली के पोल से, सिर टकराने पर ट्रेन में गिरा युवक, वीडियो आया है सामने। ग्वालियर पुलिस ने 30,000 के इनामी अपराधी जमाल को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। रतलाम में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। राजस्थान में लाइब्रेरियन की परीक्षा का पेपर हुआ लीक, 6 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में कोयले के अवैध कारोबार कर कशा से गंजा, 11 आरोपी गिरफ्तार। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।